है, लेकिन एनआरसी की एक्सरसाइज शुरू कैसे होगी? एक एक घर में जाके ये चेक किया जाएगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, आपका राशन कार्ड, आपका वोटर लिस्ट, आपका पासपोर्ट, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम की स्पेलिंग क्या है। अगर आपके पिताजी के नाम की स्पेलिंग, आपके नाम की स्पेलिंग आपस में मैच नहीं करती, आपकी जो लिस्ट है वोटर लिस्ट से आपके जो असली डॉक्यूमेंट है उससे मैच नहीं करती, या एक और रजिस्टर होता है जिसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, जिसको सेंसस के दौरान बनाया जाता है, जब सेंसस होती है 2011 में, अब 2021 में जो सेंसस हो रही है उसके लिए बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से और आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आसाम में जैसा हमने देखा आप तुरंत भारत के नागरिक नहीं रहे और आप एक ऐसी कैटेगरी में आ जाओगे कि आप घुसपैठिए बन जाओगे। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप साबित करें कि आप नागरिक हैं या नहीं, ये है कानून। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के 99% लोग डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, जिसमें सारी गलती सरकारी अफसरों की होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स में नाम ठीक से नहीं भरते, तो 99% लोग सरकार के रहमो करम पे आ जाएंगे, इस मनुवादी सरकार के, वो किसी को चाहें। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस कानून के तहत सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, ये ताकत है कि वो किसी को भी इसमें वैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है आप तुरंत देश के नागरिक नहीं रहे, घुसपैठिए हो गए। जैसे ही आप देश के नागरिक नहीं रहे, घुसपैठिए हो गए, आपके सारे राइट्स, और हमारा कंसर्न ये है सबसे बड़ा, मुसलमानों से भी बड़ा कंसर्न हमारा ये है, मैं ये साफ तौर पे बात कह रहा हूँ कि हमारे पास जो हमारे एससी एसटी और दूसरे ओबीसी भाई हैं, दूसरे माइनॉरिटीज के भाई हैं, खास तौर पे एससी और एसटी के भाई, उनके पास जो रिजर्वेशन होने की वजह से जो कानूनी ताकत है वो छिन जाएगी उनसे, उनके पास जो एससी एसटी एक्ट के प्रावधान हैं वो रातों रात छिन जाएंगे उनसे, उनके पास वोट देने का राइट वो छिन जाएगा रातों रात वो, क्योंकि जब आप कम से कम ये जिस दिन से आपको इस एक्सरसाइज के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, जो नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप हासिल करने का जो तरीका बचेगा इन सभी लोगों के पास, एक ही तरीका है, उसके बाद आप सिटीजन कैसे बनेंगे, अप्लाई करेंगे, यदि आप नॉन मुस्लिम हैं तो सरकार आपको दे देगी सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से, यानी कि आपको एप्लीकेशन देने पे सिटीजनशिप देगी, लेकिन इस दौरान आप क्योंकि सिटीजन नहीं है आपके ये सभी हक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट भाइयों के छीन लिए जाएंगे, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, उनके फॉरेस्ट के राइट्स सब कुछ छीन जाएगा, ये है बड़ी साजिश जिसको हमें समझना चाहिए, जिसके लिए हम सबसे बड़े ज्यादा कंसर्न है। और जब तक हम ये स्पेलिंग मिस्टेक्स और दूसरी चीजों को ठीक करेंगे तब तक इनके कई इलेक्शन निकल जाएंगे जिसमें ये वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ कर लेंगे, असम में इन्होंने यही किया है, जो लोग असम से वाकिफ हैं वो इस बात को जानेंगे। तो ये मनुवादी सरकार, आरएसएस की सरकार, इस बात को जान चुकी है कि एससी एसटी और ओबीसी उनको अब किसी भी हालत में वैसे तो वोट देने नहीं वाले, तो उनको दबाव बनाकर उनके जो हक हैं वो छीनकर और उनके प्रॉपर्टी के राइट्स, आप सोचिए जो आपके पास पासपोर्ट है वही छिन जाएगा, जो आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वही, आपके पास ताकत ही नहीं है प्रॉपर्टी रखने की क्योंकि आप देश के नागरिक नहीं हैं, ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है। उस अब जब ये प्रोसेस शुरू होगा या तो एक रिश्वत का बड़ा बाजार गर्म होगा जैसा असम में हुआ, असम में हर सरकारी अफसर ने जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व था, नाम की स्पेलिंग तो सब में होती है, ठीक करने की रिश्वतें ली बड़े बड़े अफसरों ने। और असम में एक बात और महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहता हूं, असम में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है पिछले 10-15 साल में, सिर्फ पिछले 10-15 साल में। आज हमारा देश किस इकोनॉमिक डिफिकल्टी से गुजर रहा है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और देखे तो हर तरीके से देश में लूट मची हुई है और फाइनेंशियल हालत हमारे बहुत कम है, GDP 1.5 असलियत जो है उसके हिसाब से बढ़ रही है, तो 1.5 GDP जब बढ़ रही है उस ऐसे दौर में ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ रही थी कि इनको NRC और CAA की एक्सरसाइज करनी है, उस तरफ से अपनी नाकामियों की तरफ से अपनी चोरी की तरफ से ध्यान बटाने के लिए। और इसमें कितने लाखों करोड़ खर्च होंगे ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके पैसे जो सब ये चुरा लेंगे, ये सरकार चुरा लेगी। अडानी और अंबानी अब जब आपकी प्रॉपर्टीज छिन जाएंगी तो उनको कितना बेनिफिट होगा, जो आदमी डिफिकल्टी में उनकी प्रॉपर्टीज खरीद के, इसमें पता नहीं कितनी साजिशें होंगी, इस पर तो पूरा दिन निकल जाएगा अगर मैं बोलूं, लेकिन मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि ये मुख्य रूप से हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट भाई और मूल निवासी भाई जो हैं ये उनके खिलाफ साजिश है जो नजर नहीं आ रही, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ये साजिश है या नहीं है वो एक अलग बात है, पर इसको हमें सही चश्मे से देखना चाहिए, इनकी सही साजिश समझ